हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए बहुत ही प्यारा हिबिस्कस फ्लावर। तो ये प्लांट मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है। तो मैं जब इस प्लांट को लाई थी तो बहुत ही छोटा प्लांट था और सिर्फ एक ही स्टेम था इसमें। छोटे प्लांट को कैसे अच्छे से ग्रो कराना चाहिए ये मैं आज बताने वाली हूँ। और मैं जो एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देती हूँ, तो ये जो फ्री का फर्टिलाइज़र है ये हमारे प्लांट में बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशन देता है, तो इसे हमें कभी नहीं फेंकना चाहिए। तो हमारे जो छोटे प्लांट होते हैं इनके लिए पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का। और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्या करता है फ्रेंड्स, हमारे प्लांट में जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जैसे पत्तियां निकलना, नए शूट निकलना, प्लांट का बड़ा होना, वो सभी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंड करता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का मेन रोल यही होता है। तो इस प्लांट में अभी महीने में दो बार मैं थोड़ा थोड़ा करके वर्मी कंपोस्ट देती हूँ और काउडंग कंपोस्ट का मैं लिक्विड बना के देती हूँ। प्लांट पे फर्टिलाइज़र कैसे देना चाहिए इस पर डिटेल वीडियो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो होता है इनको डेली नहीं देना होता है, इनको कुछ दिन गैप में देना होता है। तो मैं जो कंपोस्ट देती हूँ ये 15 डेज़ के गैप में देती हूँ, और जो ये लिक्विड होता है ये भी मैं 15 डेज़ के गैप में ही देती हूँ। तो एक जो शेड्यूल है वो बना लेना चाहिए प्लांट के, कौन सा किस दिन फर्टिलाइज़र दिया इससे हिसाब रखे। 15 डेज़ के गैप में लिक्विड फर्टिलाइज़र और 15 डेज़ के गैप में आपको कंपोस्ट देना चाहिए। तो दोनों फर्टिलाइज़र के बीच में कम से कम 7 to 10 डेज़ का गैप रहना चाहिए। और प्लांट के और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो है सीवीड ग्रेन्यूल्स और एक आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो इसको एक है एक्सट्रैक्ट जिसको लिक्विड की तरह इसको स्प्रे करके अपने प्लांट के ऊपर देना है, उसको महीने में एक बार दे सकते हैं। ये प्लांट के सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये देखिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हमारे घर में मिल जाती है, वो है अनार। और ये है अनार के छिलके। तो अनार हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है, तो आप सबको ये मालूम है। और अनार के जो छिलके होते हैं इससे बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं। तो अनार के छिलके में भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारे अनार के जो छिलके होते हैं मैं हमेशा इसके लिक्विड में अपने प्लांट में देती हूँ, और इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है अनार। तो अनार के जो छिलके हैं इनको पानी में डिप करके एक दिन रखना है या दो दिन रखना है। इसके बाद पानी के कलर देखिए, ऐसे ही रेड कलर का पानी होता है, तो इसके साथ थोड़ा पानी मिला के आप सारे ही प्लांट में दे सकते हैं। अनार के छिलके में जितने सारे आयरन हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे ही पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिलते हैं। और आपने शायद नोटिस किया होगा मेरे प्लांट में कभी आयरन डेफिशिएंसी नहीं देखी है आपने, और मेरे प्लांट में आयरन डेफिशिएंसी हुई ही नहीं। तो मैं हमेशा ये पानी अपने प्लांट में देती हूँ। और आयरन डेफिशिएंसी आपको कैसे मालूम चलेगा, जो प्लांट की पत्तियाँ होती है वो लाइट कलर की हो जाती है और इनमें जो पत्तियों में जो सीड़ा होता है वो दिखने लगता है, तो वही आयरन डेफिशिएंसी होती है। और ये देखिए इस पानी को मैं फिर से ऐसे ही रख दूँगी, तो फिर से मैं इसके बाद वाले दिन अपने प्लांट में दे सकती हूँ। तो एक दिन किसी प्लांट में दे दिया तो दूसरे दिन दूसरे प्लांट में दे दिया, ऐसा करके आपके प्लांट में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। और पानी जो निकलता है इसके पानी के साथ जितना पानी है उससे उतना ही पानी, नॉर्मल पानी मिलाना है और प्लांट में दे देना है। और ये इसमें कोई हानिकारक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और सिंपल मेथड है, तो आप इसे यूज़ कीजिए।
तो आपको भी इसका रिजल्ट ज़रूर पता चलेगा। ये जो न्यूट्रिएंट से भरपूर चीज़ है, ये कभी हमें फेंकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और इससे मालूम चलता है प्लांट में आयरन की पूर्ति हो जाती है, तो मेरे प्लांट में कभी आयरन डिफिशेंसी हुई ही नहीं। तो और एक चीज़ फ्रेंड्स, आपने अगर अपने हिबिस्कस प्लांट में बहुत ज़्यादा सरसों खली दिया होगा तो भी आपके प्लांट में आयरन डिफिशियंसी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि हिबिस्कस प्लांट में बहुत ज़्यादा सरसों खली नहीं देना होता है। महीने में एक बार दें तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो इसको आप यूज़ कीजिए। और हिबिस्कस प्लांट के केयर के ऊपर मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, और जो नए हैं मेरे चैनल में वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।